अनलॉक होने के बाद ही शहर में सड़कों पर जन्मदिन मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इतना ही नहीं, जन्मदिन पर केक काटने के साथ ही अब बंदूक से फायर करने का भी ट्रेंड शुरू हो गया। इंदौर के राव थाना क्षेत्र के जिम संचालक आकाश यादव ने अपने जन्मदिन पर रोड पर खड़े होकर बंदूक से फायरिंग की। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। राव क्षेत्र के रहने वाले जिम संचालक आकाश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक खतरनाक जश्न मनाया, जिसमें केक के अलावा बंदूकों की धाएं धाएं भी शामिल थी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के हवाई फायर को किसी भी सिरे से जायज नहीं माना जा सकता। आकाश ने इस दौरान दोस्तों की भीड़ के बीच में कार की छत पर बैठकर एक के बाद एक बंदूक से आधा दर्जन के आसपास फायर कर डाले। इस मामले को लेकर IG हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और कहीं बाईपास की वीडियो बताया जा रहा है राव क्षेत्र का, जिसमें हवाई फायर हो रहा है, अर्थ फायरिंग कर रहा है, उसमें बर्थडे जन्मदिन मना रहा है। अब बहरहाल वीडियो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन किसी ने अगर इस तरह का कानून का उल्लंघन किया होगा तो उस पर कार्रवाई। अब देखना ये होगा कि ऐसे लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।